आयरा थोनू नोनाकाल। दोस्तों ये एक ड्रामा मूवी है जिसे मैं पूरी देख चुका हूँ, तो क्या कुछ खास है मूवी के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन मूवी रेट में। दोस्तों अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इस मूवी की कहानी की, तो भाई मूवी की जो कहानी है ना वो फोकस करती है कुछ क्लोज फ्रेंड्स के ऊपर। यानी कि होता क्या है कि एक फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, वो सभी एक साथ मिलके टाइम स्पेंड करने का सोचते हैं। अब दोस्तों वो सभी दोस्त जब एक साथ मिलते हैं और जब खाते पीते आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उन्हीं के बीच में एक ऐसा बंदा आ जाता है जो कि एक गेम लेके आता है। अब दोस्तों वो जो गेम होती है ना वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल इस गेम के अंदर एक ऐसी चीज होती है कि सबको अपने पास्ट से रिलेटेड चीजें बतानी होती है, यानी कि जो उन्होंने अपने पार्टनर से छिपाई है और वो आज तक कभी उनको बता नहीं पाए हैं। तो जब ये चीजें धीरे धीरे रिवील होती है, तो क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा मूवी के अंदर, वो सारी चीजें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो, मूवी का जो कंसेप्ट है वो ठीक ठाक है, आप इस मूवी को एक बार देख भी लोगे, बट आप मूवी को इतना ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाओगे। वो होता है ना पूरी मूवी के अंदर आप कनेक्ट हो जाओ कि भाई आप पूरी मूवी देख के ही छोड़ोगे, वो ऐसी फील नहीं आएगी आपको अंदर से। हाँ, जितने भी कैरेक्टर्स आपको नजर आएंगे उनके जो इमोशन होंगे उनके साथ में आप कनेक्ट हो जाओगे, उनकी परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी लगेगी। और रही बात स्क्रीन प्ले की, तो हो सकता है आपको कहीं कहीं पर बोरिंग जैसा फील हो, बाकी ओवरऑल मूवी ठीक ठाक है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप इस मूवी को एक बार तो देख ही सकते हो, बाकी इतना ज्यादा मैं खास नहीं कहूंगा कि भाई आपको ये मूवी देखनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप जब इस मूवी को देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 5/10। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।